क्या हाल है दोस्तों। आप में से काफी लोग लैपटॉप यूजर होंगे, डेस्कटॉप यूजर होंगे, या फिर हो सकता है आपके पास कोई कैमरा भी हो और आपने इस तरह की जो किट है इसे बाय करने का जरूर ट्राई किया होगा, या हो सकता है आपके पास पहले से हो। अच्छा, तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो किट है वो किसी काम में आती भी है या नहीं आती है, और ये किस तरह से आपके लैपटॉप को जो है अगर साफ करके रखेगी तो किस तरह से साफ करके रख सकती है। तो लैपटॉप की आउटर क्लीनिंग से रिलेटेड हर तरह की बात हम इस वीडियो में करेंगे। मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा कि किस तरह से आपको अपने लैपटॉप को क्लीन करना है और इसे बाय करना है या नहीं करना है। वैसे इस तरह का हथियार भी सफाई में काफी ज्यादा हेल्प करता है, तो हो सकता है कि आपके पास ये हथियार पहले से हो, और अगर नहीं है तो आप इसे बाय भी कर सकते हो। ये लैपटॉप तो क्या बड़े से बड़े आइटम्स को भी क्लीन कर देता है और पूरी तरह से डस्ट बाहर निकाल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएंगे। आपको बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करना है ताकि वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पे मिल सके। अच्छा, हमको सिखा दिया है। जो लोग किट में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ इस तरह के खुले हुए जेल भी मिलते हैं मार्केट में, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी मिलते हैं, तो इस तरह के जेल को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये बहुत माइल्ड टाइप का जो है क्लीनर होता है, तो अगर आप कोई भी ऐसा हार्श क्लीनर अपने लैपटॉप की स्किन पर ऊपर की तरफ या फिर स्क्रीन पर यूज़ करते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि उसका कलर बाहर निकल जाए, या फिर हो सकता है स्क्रीन की जो एंटी ग्लेयर वाली कोटिंग है वो हट जाए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको ज़्यादा हार्श केमिकल यूज़ नहीं करना है, कुछ इसी तरह के सर्टिफाइड केमिकल्स का यूज़ करना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, बताता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें। ये कुछ पेपर टाइप का है, इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हैं, ऐसे रखते हैं साइड में। इसी के अंदर ये 25 ml का एक क्लीनिंग सॉल्यूशन मिल जाता है जिसे आप अपने लैपटॉप की क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह का स्प्रे काइंड ऑफ बॉटल है। एक ये निकलता है मेकअप वाला ब्रश, करीना कपूर इसी से अपना मेकअप करती है, उसके मेकअप आर्टिस्ट से मैंने ये ब्रश मंगा लिया थोड़ी देर के लिए। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। एक ये है रबर वाला एयर ब्लोअर, बचपन में आइसक्रीम बेचने आया करता था गलियों में, तो वो इसी तरह का कुछ एक भूकू लाया करता था। एक ही बहुत सॉफ्ट सा क्लॉथ मिलता है इसके अंदर जिससे आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन वगैरह साफ कर सकते हो, स्क्रैच बिल्कुल नहीं आएंगे इससे। एक ये माइक्रोफाइबर जैसा कुछ क्लॉथ मिलता है तो इससे भी स्क्रैच बिल्कुल नहीं आते हैं, तो ये लैपटॉप की सेफ्टी के लिए होता है, आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो उससे भी। ये निकलती है कुछ ईयरबड्स, ये तो सबके घरों में होती हैं। लैपटॉप की सफाई के साथ साथ इससे हम अपने कानों की भी सफाई करते हैं। अच्छा, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक क्लीनिंग वाला डेमो। तो यहाँ पर हमने सारा का सारा आइटम इकट्ठा कर लिया है। ये है आइसक्रीम वाला भोंपू, ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये वही क्लीनिंग सॉल्यूशन, ये करीना का ब्रश, ईयरबड्स, एक और क्लॉथ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको सॉल्यूशन लेना है क्लॉथ के ऊपर, ठीक है, कपड़े के ऊपर डालना है, लैपटॉप के ऊपर मत डालना आप, क्योंकि लैपटॉप के अंदर यहाँ ऊपर साइड हो सकता है लोगों के अंदर पोर्स हों या कुछ भी इस तरीके का कोई भी पोर्स वगैरह हो सकते हैं, तो हो सकता है कि सॉल्यूशन आपके लैपटॉप के अंदर चला जाए, स्क्रीन वगैरह में चला जाए। तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपको क्लॉथ के ऊपर लेना है जो भी सॉल्यूशन वगैरह लेना है। इस तरीके से जब आप रब करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर तो सारे के सारे जो भी स्पॉट हैं वो गायब हो जाएंगे लैपटॉप से। इसके बाद क्लीनिंग करते हैं अंदर साइड से। देखिए, इसके बारे में बताऊं, इससे आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो, इसमें प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, बहुत कम प्रेशर है, इससे ज़्यादा तो आप मुँह से तेज फूंक मार लोगे। तो अगर आप इस पर रिलाई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन हाँ, ज़्यादा कुछ उम्मीदें मत रखना इससे, ये हल्के फुल्के डस्ट पार्टिकल ही हटा सकता है, बहुत ज़्यादा आप उम्मीदें इससे ना पालें। और यहाँ पे मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है क्लीन कर पाएगा आपके कीबोर्ड को बहुत अच्छी तरह से। इस तरीके का कोई ब्लोअर ले पाते हो तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत बेहतरीन काम करता है, ये अंदर से तक डस्ट पार्टिकल बाहर निकाल के रख देता है, लेकिन हाँ, बहुत केयरफुली से यूज़ करना होगा। इसके बाद आप ब्रश ले सकते हो, ब्रश से इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हो। ब्रश से मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, इसके अंदर जो हेयर हैं वो सारे प्लास्टिक के हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, उतना बेटर काम नहीं कर रहा है जितना मेरा दूसरा ब्रश काम करता है। मुझे इस छोटू ब्रश पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं ट्रस्ट करता हूँ इस तरह के बड़े ब्रश पे, ये मेरे को ज़्यादा सही लगता है। तो ये किसी भी पेंट शॉप से आपको मिल जाएगा, ये 30-40 रुपए का मिलता है, और यकीन मानिए यही जो काम करेगा ना वो बेस्ट काम करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिसको ये नहीं मिल रहा है उसके लिए तो यही सही है फिर। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने कीबोर्ड की सफाई कर लेनी है, क्योंकि ये तो आपके डस्ट पार्टिकल निकालेगा ही निकालेगा, हालांकि कीज के अंदर चले जाते हैं तो वो आप ब्लोअर यूज़ करके बाहर निकाल लेना। कुछ इस तरह से आप क्लीनिंग कर सकते हो, मैं भी बहुत टाइम से इसी तरह से क्लीनिंग कर रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ईयरबड लेके आप इस तरह से बीच में घुमा सकते हैं, इससे आपके जो भी डस्ट पार्टिकल बीच में फंसे हुए होंगे थिन लाइनिंग्स में वो भी निकल जाएंगे बाहर।
स्क्रीन क्लीन करने के लिए आपको हल्का सा सॉल्यूशन लेना है, उसके बाद स्क्रीन पर आपको इस तरह से क्लॉथ को चलाना है, बहुत हल्के हाथों से यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा जो है हार्शली नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज जो है हो सकता है एंटी ग्लेयर कोटिंग भी बाहर आ जाए स्क्रीन की। ऐसे ईजिली तो नहीं आती है, लेकिन हाँ केयर करना आप। ये है बैक साइड पोर्शन, तो इसे क्लीन करने के लिए भी जस्ट आप अपना ब्रश जो है रब कर सकते हैं इसके ऊपर और इस तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। देखिए इंटरनल क्लीनिंग के लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, वहाँ ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, उस पर रिलाई करिए। और ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है क्लीनिंग में, तो मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लीनिंग वाला ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिलते रहें। किसी तरह की कोई सजेशन देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और अगर इंटरेस्टेड है इस क्लीनिंग किट में तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बेस्ट बाय लिंक मैंने वहां आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।